आज इत्तेहाद न्यूज़ के ऑफिस में आने का मौका मिला। सबसे पहले मैं इत्तेहाद न्यूज़ को और उसके जो सब्सक्राइबर है, उसके जो दर्शक है, इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। आज के ज़माने में, जिस दौर में हम लोग हैं, जहां एस्टेब्लिश मीडिया अपनी पूरी तरह से साख गंवा चुका है, जानकारियों को डिस्ट्रॉय करके एक अलग ही दुनिया में, जहां आपके वर्तमान में किसी भी समस्या की कोई जानकारी आपके पास नहीं होती, बल्कि नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर आपके सामने परोसा जाता है, उस दौर में जहां पत्रकारिता की हत्या की जा रही है, पत्रकारों का जो सही सोच होना चाहिए, जिसकी उम्मीद उनसे होती है, उन चीज़ों से कई गुना दौर लेकर एक प्रचारी पत्रकारिता बन चुकी है, उस दौर में एक निर्भाग बेबाक होकर अपनी पत्रकारिता करना और समाज के सामने हकीकत रखना, ये बहुत ही काबिले तारीफ काम है। इत्तेहाद न्यूज़ ये काम लगातार करता रहा है और इसी तरीके की उम्मीद एक पत्रकार से या एक जो समूह होता है, जो समाज के अंदर काम करता है, जो जर्नलिज्म में जो लोग हैं, उनके तरफ से होती है। मैं इत्तेहाद न्यूज़ चैनल के सभी सब्सक्राइबर, उनके दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस तरीके ही पत्रकारिता कर रहे हैं जिसकी समाज को ज़रूरत है, और आने वाले समय में भी उनसे इसी तरीके की उम्मीद रहेगी कि ये कारवा और ज़्यादा ताकत से वो आगे बढ़ाए। बामसेब की तरफ से उनके कार्य को हमारी सारी मंगल कामनाएं रहेगी और हम अपने दर्शकों को भी अनुरोध करते हैं कि इतिहास न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पत्रकारिता को जो समाज के अंदर सत्य और एक तरह का फैक्ट एनालिसिस लेकर जानकारी देते हैं, उसका स्वागत करें। वैसे साहब को मैंने बहुत बार मेरी राय जो है बताई है, उन्होंने अच्छे ढंग से उसको समाज में दिखाया भी है। आजकल दौर बड़ा नाजुक है और हम लोग जितना भी कोशिश करें उसके फल नहीं दिखाई दे रहे। ये सब बातों में ध्यान रख के हमको धीरे धीरे आगे जाना है। हम कुछ नहीं करे, 42 साल से मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं करे ऐसा लगता है ज़रूर, लेकिन एक दिन आएगा और जहाँ पे सच का विजय होगा, तो इसी उम्मीद को नज़र में रखते हम अपना कार्य करते रहेंगे। जैसे गीता में कृष्ण ने भी बोला है, फल की चिंता मत करो, वैसे फल की तुरंत चिंता ना करते हुए हमको काम करते रहना चाहिए। अभी हालांकि थोड़ा कोरोना के काल में हमारे जो मीटिंग्स लगातार होते थे हर हफ्ते, वो सब बंद हो गए, सब साथी भी बिछड़ गए, बहुत सारे साथी इस दुनिया से चले भी गए, फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये भी इतना ही सच है। और जैसे काले साहब तो है हमारे साथ, आप जितनी बार बुलाओ आएंगे, हमें पाठ पढ़ाएंगे, हम उनके मार्गदर्शन के अंदर अपना प्रोग्रेस करते रहेंगे थोड़ा।